आइए हम सभी आज फिर अपने परिवार में शिव चर्चा का आसन लगा के गुरु को बुला के साहेब भैया दीदी नीलम सभी को बुला के और शिव चर्चा करने जा रहे हैं। तो शिव चर्चा का नियम पालन करना बहुत ज़रूरी है। हम सभी आप सभी मिलकर के इन तीन सूत्र को इतना बवाल फैलाना है, इतना बवाल फैलाना है कि जो आज जो जो लोग नहीं जानते हैं उन सभी तक के ये चर्चा बताना है। तो पहला में शिव गुरु से दया मांगना है। हे गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया करें। दूसरा में अनजान व्यक्ति को जोड़ना है कि हे भाई हे बहन, मैंने शिव को गुरु बनाया, अपने जीवन में मेरे सारे बिगड़े काम बने। गुरु शिव जो हैं साक्षात गुरु के रूप में धरती पर आए हैं, तो आप भी बनाइए, आप भी बना के देखिए। और तीसरा में नमः शिवाय से 108 बार, नहीं तो जितना टाइम उतना निकाल के उनका गुणगान करके प्रणाम करना है। तो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। क्या बात है। चर्चा 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 के बवाल भइल बा, चर्चा 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 के बवाल भइल बा। जकरा तकलन शिव गुरु माला माल भइल बा, जकरा माल भइल बा, जकरा तकलन शिव गुरु माला माल भइल बा, तकलन शिव गुरु माला माल भइल बा। और क्या मधु जी, मुझे बोले हो गुरु के चरण में हाजिरी लगाइए, जरूर लगाइए और प्रेम से उनका ध्यान कीजिए। Yeah.
शंकर भगवान की जय हो।